अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स वेल, हम लोग कराची एक्सपो में मौजूद हैं जहाँ पर 15th बिल्ड एशिया हो रही है, और इस वक्त हमें मौका मिला है पाक अरब के राशिद साहब से बात करने का, जो कि यहाँ पर सेल्स मैनेजर हैं। और राशिद साहब से इस बिल्ड एशिया के एक्सपो के बारे में जानते हैं और उनकी प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। राशिद साहब, ये बताइएगा, आप माशाल्लाह से हमेशा आते हैं बिल्ड एशिया में, आके अपनी प्रोडक्ट लेकर आते हैं, और मतलब कि हर साल आप लोग क्या चेंज लेकर आते हैं, और एज अ अपनी फील्ड के हवाले से अपने कंज्यूमर्स को क्या आप चेंज दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका और आपके मीडियम का बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी। पाक अरब बेसिकली ना सिर्फ एक खाली पाइप मैन्युफैक्चरर बल्कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर, और यूँ समझ लें कि जितनी भी जो यहाँ पे पाकिस्तान के मार्केट में पाइप इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन का अगर वो नाम आता है तो पाक अरब वहाँ पे पेश पेश है। वजह इसकी है कि हमने ना सिर्फ प्रोडक्ट पे काम किया बल्कि हमारे पाकिस्तान में जितने भी आउटडेटेड सिस्टम हैं उनको रिप्लेस किया है, PVC से, CPVC से, HDPE से। और अभी रिसेंटली आपने जिस तरीके से सवाल किया कि न्यू प्रोडक्ट क्या है, तो उसमें हमने अभी रिसेंटली गैस पाइप, एरीज गैस पाइप लॉन्च किया है, और इसकी अफादियत बिल्कुल वैसे ही है जिस तरीके से माजी में हमारे पास जो कास्ट आयरन के और लोहे के जो पाइप होते थे उसको हमने रिप्लेस किया है PVC से। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो हमारे पास प्रॉब्लम्स है, चाहे वो वाटर सप्लाई में हो या गैसेस में हो, वो लीकेज का मसला है, और जहाँ पे गैस इन्वॉल्व हुआ थी तो वहाँ पे हैजर्ड्स और लाइफ के मामले आ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक अरब ने हर फील्ड की तरह, हर पाइप की तरह इस गैस इंडस्ट्री में भी एक काम किया है, और हमने रिसेंटली इसी साल में एरीज पाइप को लॉन्च किया है, तो इसका अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। और अभी हम यहाँ पे बिल्ड एशिया की एग्जीबिशन में भी आए हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी हमें बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिला। आज हमारा पहला दिन है, ओपनिंग है हमारी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ज़्यादा विजिटर्स हमारे पास आएंगे और अपना फीडबैक हमें देंगे। थैंक यू। अपनी प्रोडक्ट के बेनिफिट तो आपने बताएं, ये बताएं कि जो इस वक्त मुल्क की इकॉनमी की हालत है, तो क्या आप अपनी प्रोडक्ट के हवाले से लोगों को भी इसका बेनिफिट दे रहे हैं कि क्या प्रोडक्ट आपकी कॉस्टली है या कि एक रिजनेबल है? नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से अभी पाकिस्तान, जिस तरीके से न्यू गवर्नमेंट अभी हमारी आई है, पॉलिसीज़ वगैरह काफ़ी चेंज हो, इकोनॉमिकली तो हम बहुत ज़्यादा अभी टफ टाइम देख रहे हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी माजी में और हमने अभी देखा पिछले दिनों पॉलिसीज़ बेहतर वगैरह हुई हैं, तो उसमें यह हुआ है कि अभी कुछ रेजन के प्राइजेज़, जो रॉ मटेरियल है वो प्राइजेज़ भी थोड़ी सी कम हुई हैं, और साथ साथ जो सबसे अच्छी चीज़ है हमारी इन हाउस मैनुफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो रही है, जिसकी वजह से जो इम्पोर्ट के मामले थे वो काफ़ी हद तक कम हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमें पीछे से कोई चीज़ सस्ती मिल रही तो अल्टीमेटली हम अपने एंड यूज़र को भी वो समझ लें कि मतलब इसका बेनिफिट देते हैं, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अप्रोच है और इसी पे काम कर रहे हैं। आगे फर्दर आप लोगों के क्या प्लान हैं, किस तरह से इसको लेके चल रहे हैं, कुछ डिस्कस करना चाहेंगे? अभी तो कुछ चीज़ें ज़ाहिर सी बात रिवील नहीं कर सकते, पर हमारी R&D डिपार्टमेंट में वो रिसर्च के प्रोसेस में है, वो जब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह हमारा 2020 का एक प्रोग्राम है जिसमें 2 से 3 हम डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो होगा तो आप सब देखेंगे इसको इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब। व्यूअर्स, आपने देखा कि पाक अरब के राशिद साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे, और इनकी प्रोडक्ट के हवाले से भी जाना और इसे एग्जीबिशन के हवाले से भी जाना। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप इंजीनियर पोस्ट को सब्सक्राइब करें और इंजीनियर पोस्ट के साथ रहें। थैंक यू।